जब बीच मैदान में ही गुस्से से आग बबूला जडेजा और बेन स्टोक आपस में लड़ पड़े तब कुछ ऐसा हुआ देखकर हर किसी के पसीने छूट गए। जी हाँ, आपको बता दें बेन स्टोक अपनी टीम के लिए अकेले रह गए थे। उन्होंने हार्टली के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक करने का मन बनाया। इसी दरमियान जब जडेजा के खिलाफ 55वें ओवर की पहली ही गेंद पर बेन स्टोक ने चौका लगाया तब इस खिलाड़ी का घमंड देखते ही बनता था। उन्होंने जडेजा को ऐसे घूरा जैसे वो उन्हें छोड़ेंगे नहीं। जडेजा भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी बेन स्टोक को स्लेजिंग करते हुए उन्हें छक्का मारने के लिए उकसाया। इसके बाद तो दोनों के बीच मामला काफी गर्म आ गया था, लेकिन जडेजा इतने में ही रुके नहीं और फिर जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर टॉम हार्टले का विकेट चटकाकर उन्होंने स्टॉक की बोलती ही बंद कर दी थी। जहां जडेजा ने उनकी बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपना बदला भी बेहद शानदार अंदाज में ले लिया था। तो दोस्तों, जडेजा और बेन स्टोक में कौन सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है, कॉमेंट में जरूर बताइए।